Hello everyone, this is Disha welcoming you to the Chance Edutik. Today I am going to take English of class 9 and the topic is Wind Poem from Beehive. So today I am going to take part 1 of this lesson. So before I start the poem, I want to explain in short about the poet. So, Wind is a beautiful poem written by Subramanya Bharti. And Subramanya Bharti is an Indian poet. So, Subramanya Bharti, as the name suggests, he is an Indian poet who was born on 11 December 1882 and he died on 11 September 1921. So this is the picture of Subramanya Bharti, a great Tamil writer and a poet. So he was born on 11 December 1882 and he died on 11 September 1921. And he was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist and a social reformer. So he was a great personality. Not only he was a writer, poet, journalist, but he was an Indian independence activist and also a social reformer. So Subramanya Bharti ye bahut hi khyati prapt kiye, एक कवि के रूप में भी उभरे और एक लेखक के रूप में भी ये उभरे, ही रिमेम्बर्ड एज ए राइटर एज ए वेल एज ए पोएट एंड साथ ही साथ इन्होंने जर्नलिज्म का भी काम किया, तो जर्नलिस्ट भी बने और साथ ही साथ ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट के रूप में काम किए और एक समाज सुधारक के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है लिटरेचर में, साहित्य में और साथ ही साथ हमारे कंट्री पर भी, हमारे देश भी इन पर गर्व करता है क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है। ही वॉज बेस्टोइड द टाइटल भारती फॉर हिज एक्सीलेंस इन पोएट्री। ये इतने अच्छे पोएट्री लिखा करते थे, पोएम लिखा करते थे कि इनको भारती नाम से इनको जाना जाता है। ही वॉज अ पायनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोएट्री एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर्स ऑफ ऑल टाइम। सो सुब्रमण्य भारती एक मॉडर्न तमिल के बहुत ही अच्छे उभरते हुए कवि थे और बहुत बड़े फिगर माने जाते हैं तमिल लिटरेचर में, ऑफ ऑल टाइम एंड ऑफ ऑल रिलीजियन एंड सॉरी ऑफ ऑल टाइम एंड रिलीजियन। ही वॉज ऑल्सो इन सॉलिडेरिटी विद दलित एंड मुस्लिम्स, और दलित और मुस्लिम के साथ भी इनका बहुत ही गहरा संबंध था। इन्होंने दलित जाति और मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और ये कहीं ना कहीं इनका इनका रिलीजन से भी प्यार था, अपने रिलीजन से भी प्यार था, दूसरे के रिलीजन से भी इनका इनको बहुत ही लगाव था और इन्होंने बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और इनका बहुत योगदान है हमारे कंट्री में, हमारे समाज में। नेक्स्ट, ही इज पॉपुलरली नोन बाय हिज मोनोनिमस टाइटल भारती। इनको एक मोनोनिमस टाइटल दिया गया, भारती इस नाम से बहुत ही विख्यात है, भारतीयार के नाम से भी विख्यात है एंड ऑल्सो बाय द अदर टाइटल महाकवि भारती, और महाकवि भारती के नाम से भी बहुत ही विख्यात है, बहुत ही सुप्रसिद्ध है, जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ख्याति प्राप्त किया इन्होंने। सो ही इज नोन बाय द नेम भारती भारतीयार एंड ऑल्सो महाकवि भारती, मीन्स द ग्रेट भारती, द ग्रेट पोएट भारती, महान कवि भारती के नाम से ये जाने जाते हैं। हिज न्यूमरस वर्क्स
included fiery songs killing patriotism during the Indian independence movement. तो मैं पहले ही बताया था कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम की, एज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट काम किए हैं, और काम करते करते इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और ये बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे फायरी सॉन्ग्स लिखा है जिसमें पैट्रियटिज्म की भावना को दर्शाया गया है, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान ये पैट्रियटिज्म की भावना को इनके कविताओं में, इनके गानों में, इनके गीत में दर्शाया गया है. ही फॉट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, वेहेमेंटली अपोज्ड द कास्ट सिस्टम एंड स्टूड फॉर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी. और इन्होंने संघर्ष किया है इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, वुमेन को जो प्रताड़ित किया जाता था, औरतों को जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था इसके लिए काम किया, उनका सुरक्षा के लिए इन्होंने काम किया कि उस एक्सप्लॉयटेशन के बॉन्डेज से महिलाओं को बाहर निकाला जाए. इन्होंने चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के विरोध में काम किया है, मतलब बाल विवाह को कभी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, और साथ ही साथ ये कास्ट सिस्टम को भी सपोर्ट नहीं किया है. ही नेवर बिलीव्ड इन एनी कास्ट एंड ही कंसीडर्ड ऑल कास्ट सेम, सो ही अपोज्ड द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को कभी इन्होंने विरोध किया है. एंड आगे बढ़े, अपने बहुत बड़ा योगदान दिया इस सोसाइटी को रिफॉर्म करने में. हमारे भारत का जो भारतीय सोसाइटी के जो मूल माने मूल जो कारण थे इतना पिछड़ेपन का, उसका उसके बारे में इन्होंने जानने का कोशिश किया और उस पर काम किया और समाज को सुधारने का कोशिश किया और समाज सुधारक के रूप में काम किया इन्होंने, और साथ ही साथ लेखन का भी कार्य किया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सुब्रमण्य भारती. Now, I'll give a brief introduction of the poem. The poem Wind is a symbolic poem. Wind, it is known as a symbolic poem. Ek symbolic kavita hai. It symbolizes all difficulties, obstacles, struggles and obstructions that we have to face in life. So, ye symbolic poem kyon kaha gaya hai? Ye symbolize karta hai. Ye ishara karta hai, sanket karta hai. Kiske taraf? ऑल डिफिकल्टीज, सारे दिक्कतों के बारे में, सारे रुकावटों के बारे में, जिंदगी में जो भी रुकावट होते हैं, सारे ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में जो हम जिंदगी में झेलते हैं, सामना करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने, सुब्रमण्य भारती ने इस कविता विंड में बहुत सुंदर तरीके से इस चीज को बताने की कोशिश किया है कि किस प्रकार हम ऑब्स्टैकल्स फेस करते हैं. थ्रू द सिंबल ऑफ विंड The poet teaches its readers an important lesson that one must be strong and bold. और wind का symbol को, wind को संकेत मानकर या wind को symbol मानकर ये कवि जो है पाठकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का कोशिश किया है, पढ़ाने का कोशिश किया है कि प्रत्येक आदमी को bold रहना चाहिए और अंदर से मजबूत रहना चाहिए, जो कि किसी भी तरह की यातनाओं को झेलने के लिए वो तत्पर रहे. वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स एज वेल एज विल पावर टू फेस एनी ट्रबल्स और हार्डशिप ऑफ लाइफ. और हमारे जो हार्ट्स है, दिल को मजबूत करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें बोल्ड बनना चाहिए. जी, किसी प्रकार के तकलीफ, किसी प्रकार का कष्ट अगर हमारे सामने आता है जिंदगी में, तो उसको हम झेल सके, उसका संघर्ष कर सके. ओनली करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल कैन सरमाउंट दी डिफिकल्टीज एंड इमर्ज विक्टोरियसली. इनके कथन के अनुसार, सुब्रमण्य भारती के अनुसार, सिर्फ जो बहादुर लोग जो हैं, साहसी लोग जो हैं, और जो कॉन्फिडेंट, जिन लोगों के अंदर में आत्मबल होता है, वही इस प्रकार के यातनाओं को का सामना कर सकते हैं, झेल सकते हैं, उसे निदान प्राप्त कर सकते हैं और उस पर विजयी हो सकते हैं. किसी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन पे, किसी प्रकार की यातनाओं पर, किसी प्रकार की डिफिकल्टीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर हम बोल रहे हैं,
हम सभी अगर बोल रहे हैं तो किसी प्रकार के यातनाओं को सह सकते हैं। तो यही बात बताना चाहते हैं सुब्रमण्य भारती हम लोगों से। द पोएट डिस्क्राइब द विंड violent as violent that breaks everything around। और पोएट ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार खतरनाक होता है हवा। हाँ, जब हवा आंधी का रूप ले लेता है, तेज हवा बहने लगता है, तो ये बहुत ही दर्दनाक हो जाता है, स्थिति बहुत खराब हो जाती है, स्थिति डमाडोल हो जाती है। इस प्रकार के अगर हम अगर बोल ना रहे, स्ट्रांग ना रहे अंदर से, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। द पोएम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एज पर द बुक, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज गिवन अबाउट द पोएम इन योर बुक, वी विल रीड इट एंड यू सी द पिक्चर्स हाउ द विंड ब्लोज एंड व्हाट हैपेंस टू द ट्रीज, यू जस्ट सी। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. हवा जब तेज बहता है तो ढेर सारे परेशानी लाता है, ढेर सारे बर्बादी को लाता है, बहुत सारी चीज को बर्बाद कर देता है। अगर तेज हवा बहता है तो बहुत हमारे जान माल की क्षति पहुंचाता है, पृथ्वी पर बहुत सारा क्षति पहुंचाता है। So how can we make friends with it? इस कविता में कवि ने यह बताने का कोशिश किया है कि हम विंड के साथ किस प्रकार दोस्ती कर सकते हैं। अगर आंधी तूफान, तेज आंधी तूफान भी आए तो विंड के साथ हम कैसे संघर्ष कर सकते हैं और उसे दोस्ती कर सकते हैं, और हम अपने आप को क्षतिग्रस्त होने से कैसे बचा सकते हैं, इस चीज को बताने का कोशिश किया है इस कविता में कवि ने। नेक्स्ट The poem. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. तो कवि कहते हैं, विंड से बुहार लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे विंड, धीरे धीरे आओ, कम सॉफ्टली, आराम से बहो, आराम से आओ, और डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और खिड़कियों के जो शटर्स होते हैं इसको तोड़ो नहीं, इसको नष्ट मत पहुंचाओ, खिड़की के जो शटर्स होते हैं इसको बर्बाद ना करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो भी पेपर्स पड़े हुए हैं उसको इधर उधर स्कैटर मत करो, इधर उधर बिखेरो नहीं पेपर्स को, ये नहीं कि पेपर उड़कर हवा के झोंक से इधर उधर बिखर जाए। तो जो पेपर्स रखे हुए हैं उसको तेज हवा से मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ पर किताबें रखे गए हैं, जो दराज में किताबें जो सेल्फ पर रखे गए हैं, इसको मत फेंको। Don't throw down the books on the shelf, और सेल्फ पे जो किताबें हैं उसको मत फेंको। There, look what you did, you threw them all down. वहां देखो विंड, तुमने क्या किया, तुमने सारे पेपर्स को फेंक दिया, तुम सारे किताब को भी उस सेल्फ से अपने तेज हवा के झोंक से तुमने नीचे फेंक दिया, गिरा दिया। You tore the pages of the books. तुमने उस किताब के पन्नों को भी फाड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं है। Don't tear the pages of the books. ये कहना चाहते हैं कवि। You brought rain again. फिर से तुमने बारिश लेकर आ गया। हवा बहते बहते क्या होता है, बारिश आ जाता है। तो कवि बोलते हैं, विंड से बुहार लगाते हैं, विंड से विनती करते हैं, विंड से बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो, ना खिड़कियों का शटर्स को तोड़ो, ना ही पेपर्स को इधर उधर फेंको, ना ही जो बुक्स है सेल पर इसको इधर उधर फेंको। और देखो तुमने क्या किया, सारे बुक्स गिर गए और उसके पन्ने भी फट गए तुम्हारे हवा के झोंक से, तेज हवा के झोंक से।
और इसके साथ साथ तुमने फिर से बारिश लेकर आ गया. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. और कवि कह रहा है विंड से कि तुम बहुत ही चतुर हो, बहुत ही धूर्त हो, बहुत ही चालाक हो. तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाते हो. वीकलिंग्स का मतलब वीक पर्संस. वीकलिंग का मतलब होता है वीक पर्सन. मतलब विंड से कवि कह रहे हैं कि तुम कमजोर लोगों का भी मजाक उड़ा रहे हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स. और कह रहे हैं कि कमजोर जो क्रम्बलिंग हाउसेस है, जो कि कमजोर घर हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब बहुत कमजोर जो घर हैं, और क्रम्बलिंग दरवाजे हैं, कमजोर दरवाजे हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स और क्रम्बलिंग राफ्टर्स जो है, क्रम्बलिंग लकड़ियां, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. तो तुम कमजोर पर वार करते हो, जो कमजोर लकड़ियां हैं, घर बनाए गए लकड़ियों से. क्रम्बलिंग शरीर, जिसका शरीर कमजोर है, बीमारी से ग्रस्त है, और जिसका जिंदगी एकदम हिलडॉल हो रहा है, मतलब शेक हो रहा है, जिंदगी में उछाल आ गया है, जिसके दिल कमजोर हो गए हैं, उन्हीं पे तुम बार उन्हीं को तुम क्या करते हो, प्रभाव डालते हो, अपना बुरा प्रभाव डालते हो. तो एक कवि विंड से कह रहा है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. विंड गॉड्स क्या करते हैं, विनोज करते हैं, क्रशेस देम ऑल. विनोज का मतलब होता है जैसे सूप में औरतें हवा में रख के उसके डस्ट जो झाड़ती है, जो ग्रेन्स होते हैं, उसी को बोला जाता है विनोज. तो विंड गॉड्स क्या करते हैं, विनोइंग का काम करते हैं और सारे चीजों को दबोच कर बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, हवा से झोंक से बहा देते हैं और सारे चीज बर्बाद हो जाता है. नेक्स्ट, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो कवि कहते हैं पाठकों से, कहते हैं कि तुम जो कहोगे, हम आम जनता, आम लोग जो कहेंगे, जो जनरल लोग, सामान्य लोग जो कहेंगे, ओ या किसी भी का भी कहना विंड मानने नहीं वाला है. हवा, ये जो विंड है, कभी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे. विंड हमारे बातों को नहीं सुनेगा, जो हम कहना चाहेंगे विंड से, जो भी पुकार लगाना चाहेंगे, जो भी गुहार लगाना चाहेंगे, जो भी विनती करेंगे, विंड सुनने वाला नहीं है. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो पाठकों से बोलता है कवि कि चलो हमारे साथ आओ. कवि कहता है और मजबूत घर को बनाओ, अपने घर को मजबूत करो, उसका फाउंडेशन को मजबूत करो, जिससे कि घर को कोई क्षति ना पहुंच सके. जितना भी तेज आंधी तूफान आए, हवा आए, किसी के घर को क्षति नहीं पहुंचेगा अगर स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएंगे तो. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, और बहुत मजबूत मजबूत तेरी मजबूती से दरवाजे को भी फिक्स करें, दरवाजे को, अपने घर के दरवाजे को भी मजबूती से फिक्स करें, जिससे कि विंड उसका कुछ बाल भी बाका ना कर पाए. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने शरीर को भी मजबूत करे, अपने शरीर को भी मजबूत करे, अभ्यास करे कि आपका शरीर भी मजबूत रहे. एक्सरसाइज करें, अच्छा से खाए पिए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने दिल को भी स्टेड फास्ट, दिल को भी धड़कने दो. मेक इट स्टेड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. मतलब अपने दिल को भी मजबूत करें, दिल को कोई भी चीज से आहत ना होने दें, कोई भी बुराई, कोई भी प्रताड़ना, कोई भी दुख, कोई भी चीज से अपने दिल को आहत ना पहुंचने दें. यही कह रहा है, दिल को मजबूत रखें. द विंड ब्लोज आउट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. और ये सब करके देखिए, और देखिए कि विंड हमसे दोस्ती कर लेगा, क्योंकि विंड हमको हिला नहीं पाएगा, हमारा कोई क्षति पहुंचा नहीं पाएगा विंड. अगर हम मजबूत घर बनाएं, मजबूत फाउंडेशन दें, हम अपने दिल को मजबूत रखें, तो विंड हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स,
और कमजोर आग को बुझा देता है विंड, जो हल्का फुल्का छोटे मोटे आग के लपटे लगते हैं उसको बुझा देता है। He makes strong fires roar and flourish. लेकिन जब आग के लपटे तेज हो जाते हैं, बहुत बड़ी आग लगती है कहीं भी, कहीं घर और में आग लगता है या कोई जंगल में आग लगता है, विशाल आग लगता है, तो वहां विंड क्या करता है, He makes strong fires roar, और आग के लपटों को मजबूत कर देता है और आग के लपटों को फैलने देता है, फैला देता है कि पूरे पूरे गांव मोहल्ला शहर में पूरे आग ही आग हो जाए, आग लग जाए, और जो फैलने दे फ्लरिश। His friendship is good. We praise him every day. और कह रहे हैं कवि की उसके साथ दोस्ती करना अच्छा है और हम विंड की हमेशा प्रशंसा करते हैं, हमेशा उसकी अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे विंड बुरा हो अच्छा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहां पर हमें एक मैसेज देने का कोशिश किया है कवि ने कि हमें बहुत जिंदगी में बोल्ड रहना चाहिए और किसी भी सिचुएशन, कोई भी ऐसा सिचुएशन हमारे साथ घट जाए या आ जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए बल्कि डट कर उसे उसका मुकाबला करना चाहिए। भले दुख का हो घड़ी, दुख का घड़ी से, दुख के समय से भी लोगों को झेलना पड़ता है, तो अपने दुख को भी अपने दिमाग से और दिल से निकालना होगा और अपने आप अपने हार्ट को मजबूत करना होगा, अपने शरीर को मजबूत करना पड़ेगा जिससे कि किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का यातना, किसी प्रकार का संघर्ष से आप प्रभावित ना हो पाए। इसीलिए आप बोल्ड बने और अपने आप को बोल्ड रखें, तब जाकर किसी भी तरह का सिचुएशन से आप उबर सकते हैं। तो यही मैसेज देने का कोशिश किया है इस कवि ने अपने कविता के द्वारा। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पोएम द विंड। आई विल कम विद अ न्यू लेसन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।